मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की है और जनसंघ के ज़माने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए कुर्सी के लिए नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए। वोट की चिंता नहीं की, कुर्सी की चिंता नहीं की, और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है कि इस देश से धारा 370 समाप्त होना, इस देश से CA कानून लागू होना, इस देश में 3 तलाक समाप्त करना, ये सब कदम जो कड़े कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, ये देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, वोट की राजनीति के लिए नहीं है। और आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्य स्मरण का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर की जेलों में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी और धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने किन परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो आज भी जांच का विषय है, पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस चतुराई के साथ इस देश से धारा 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, उससे सारी दुनिया में उनकी प्रशंसा हुई है और मैं समझता हूँ लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल, जहाँ के कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और जो बंगाल यदि बचा है, आज बचा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत विभाजन के वक्त जो बंगाल का विभाजन हुआ, जो बचा हुआ बंगाल है, वो बंग बचाओ आंदोलन के कारण जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया था बंगाल को बचाने के लिए, और ये पंजाब जो बचा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से ही बचा है। मैं समझता हूँ कि बंगाल को भी आज उनको याद करना था, बाकी वहाँ की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण नहीं किया। मैं बंगाल सरकार की निंदा भी करता हूँ इस बात के लिए।